हेलो दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम इस बार शॉट पर कुछ इस तरह की ग्रुप डिज़ाइन वाली रिप लगाने वाले हैं। तो कुछ इस तरह की प्रोसेस वो आपको आज के स्टूडियो में हम दिखाएंगे। ये जो रिप है आज के स्टूडियो में हम इसके ऊपर ये लगाने वाले हैं। तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर से देखना कैसे हम इस पर लगाते हैं। ये नीचे स्कर्टिंग वाला कट हमने लगा दिया है और अब ऊपर वाला जो कर्ण वाला कट हम लगाने वाले हैं। ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से टूटने वाली रिप, आपको पूरी प्रोसेस पता चलेगी इस वाली वीडियो में। बने रहे वीडियो में एंड तक। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें ताकि ऐसे अमेजिंग वीडियोस आपको मिल सकें। तो देख सकते हो हमने ये जो इस ग्रुप काटने के लिए संचा बना रखा है उसमें हम इस रीप का ग्रुप ये कर्ण काट रहे हैं। तिरछा हमने ऊपर जो तिरछा मिलाना है वो हमने काट दिया है और ये लंबी है बारसोत पर पूरी साइड में लगने वाली है। काफ़ी अच्छी तरीके से मैं दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से लगेगी ये और कुछ इस तरीके से इसका कर्ण मिलने वाला है। तो यहाँ पर नीचे वाला कट हमने लगा दिया है और ऊपर वाला कर्ण भी कट गया है। तो दोस्तों हम इसमें 17 की कील का इस्तेमाल कर रहे हैं जो ये बीच में ग्रुप दे रखा है। इसमें हम कील ठोकने वाले हैं और उसके बाद इसको हम पंच की मदद से अंदर बिठाने वाले हैं कील को। तो आसानी से हम यहाँ पर खेल ठोकेंगे। यहाँ पर एक सरी की हमें यहाँ पर गैप देनी है, उस हिसाब से हमें ये रिप लगानी है। तो दोस्तों दूसरी साइड वाली रिप के भी हम कर्ण काटने वाले हैं। कुछ तिरछा इस तरीके से हमने ये वाली ठोक दी है और यहाँ पर ये कर्ण काटा जा रहा है। तो इस संचय में हमने रखकर इस कर्ण को तिरछा मिला लेना और आरी की मदद से हमें इसको काट लेते हैं। यहाँ पर हमने तिरछा कर्ण काट लिए हैं और इसको भी हम लगा देते हैं। तो नीचे वाला स्कर्टिंग का कट लगा दिया हमने और ऊपर वाला तिरछा कर्ण काट दिया है। तो दोस्तों हम इसका हम सेंटर मिलाने वाले हैं ऊपर वा जो हमने कर्ण काटे थे तिरछे वाले। तो ऊपर की रिप को भी हम कुछ इस तरीके से निशान करके हम यहाँ पर कर्ण मिलाने वाले हैं। तो यहाँ पर निशान हो गया है और उस साइड का भी निशान हो गया है। तो दोनों साइड का निशान करने के बाद संचय में हम कुछ इस तरीके से तिरछा कर्ण काटने वाले हैं आरी की मदद से। तो दोनों कर्ण काटे थे हमने तिरछे जो हमने इस रिप पर भी काट के सेम उस तरीके से मिला लिया काफ़ी शानदार तरीके से। और इसमें भी हम किले को ठोक लेते हैं। तो किले को जो हमने ग्रुप में ठोकी थी तो उसको हम इस समय की मदद से अंदर बिठाने वाले हैं ताकि वो किले नज़र ना आए। तो दोस्तों हमने ये बारसोत पर ये ग्रुप वाली रिप ठोक दी है काफ़ी शानदार तरीके से, काफ़ी अच्छी लग रही है। और बारसोत पर ये जो साइड में ग्रुप दिखते हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए हमने ये रिप ठोकी है काफ़ी शानदार तरीके से। तो हमने और भी कई बारसोत पर ये रिप ठोकी है, जैसे हमने इस बारी पर ठोकी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए जय हिंद जय भारत।